डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज है 27 जुलाई 2019 और 27 जुलाई 2019 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। और मैंने इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पर जाके आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी है, तो वहाँ पे जाके आप विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये किसे अपॉइंट किया है, ये अपॉइंट किया है अजय भल्ला को। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अजय भल्ला की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है अजय भल्ला। और इनको अभी हाल ही में अपने भारत का नया गृह सचिव इनको नियुक्त किया है। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि अजय भल्ला तो गृह सचिव बने लेकिन इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इन्होंने रिप्लेस किया राजीव गौबा को। किसको? राजीव गौबा को इन्होंने रिप्लेस किया और 1 सितंबर से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पे टर्म है गृह सचिव, तो प्रेजेंट टाइम पे अपने इंडिया के गृह मंत्री कौन है, वो है अमित शाह। कौन है? अमित शाह। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वृद्ध लोगों के लिए केयर फॉर यू नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया IIT खड़गपुर ने। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वृद्ध लोग होते हैं, बेसिकली जो वृद्ध लोग होते हैं उन पे बेसिकली ध्यान केंद्रित करना, उनका लोकेशन वगैरह भी ट्रैक करना, यानी बेसिकली कहाँ पे जाते, बेसिकली होता क्या है, बहुत से जो वृद्ध लोग होते हैं उनको कोई अपना यानी भान वगैरह रहता नहीं, कहीं पर भी चले जाते, यानी कुछ अलग से वो गतिविधि करते, तो उन पर इस ऐप थ्रू नज़र रखा जाएगा। इसीलिए अभी हाल ही में जो IIT खड़गपुर है उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप विकसित किया, एक लॉन्च किया है, और इस ऐप का नाम क्या है, केयर फॉर यू। इस ऐप का नाम आप याद रखना। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मृति में एक म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। तो ये किसने की है घोषणा, ये की है नरेंद्र मोदी ने। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी जो पूर्व मुख्यमंत्री जो इंडिया के जो हो चुके उनके यानी उनकी स्मृति में यानी उनकी याद में एक म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, किसने, नरेंद्र मोदी ने, जो अपने इंडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है। उनकी जो प्रतिमा वगैरह लगाई जाएगी वहाँ पे, उनका एक स्वरूप पुतले का स्वरूप वगैरह बनाया जाएगा और उनकी जो कुछ भी गतिविधि है, जो कुछ भी उनकी कार्यशिला है उसके बारे में वहाँ पे पूरा लिखा जाएगा, यही है। और इसी को यही म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, किसने, नरेंद्र मोदी ने। और ये कहाँ पे बनाने की घोषणा की है, नई दिल्ली में। अब यहाँ पे टर्म आई है दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जान लीजिए। दिल्ली के CM कौन है, वो है अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, अनिल बैजल। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के बंदरों को 1 वर्षों के लिए हिंसक जानवर घोषित किया है। तो ये कौन से राज्य के बंदर है जिनको अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए हिंसक जानवर घोषित किया है, तो ये है हिमाचल प्रदेश के। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश के बंदर है उनको हिंसक जानवर के तौर पे इनको घोषित किया है, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय उन्होंने इसको घोषित किया है। अब क्यों घोषित किया, जो कुछ भी ये बंदर है ये ज़्यादा फसलों का नुकसान करते हैं और जो लोग हैं लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने उत्पात मचा रखा है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो प्रेजेंट टाइम पे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उन्होंने ये जो बंदर है हिमाचल प्रदेश के उनको हिंसक जानवर घोषित किया है। अब यहाँ पे टर्म आई हिमाचल प्रदेश, तो ये देखिए ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, वहाँ के CM है जयराम ठाकुर और गवर्नर है कलराज मिश्रा, अभी हाल ही में न्यू अपॉइंट हुए हैं। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर है? तो ये कौन सा देश है? यह है स्विट्जरलैंड। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में क्या हो, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स उसकी एक रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट में ये बताया कि स्विट्जरलैंड टॉप पे। अब स्विट्जरलैंड तो टॉप पे, लेकिन टॉप थ्री तो आपको याद होनी चाहिए ना, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। टॉप पे स्विट्जरलैंड, सेकेंड नंबर पे स्वीडन और थर्ड नंबर पे है अमेरिका, और आपको फोर्थ ऑप्शन में अपना कंट्री इंडिया दिख रहा है। तो अपने देश भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पे अपने देश भारत को 52 रैंक मिली, यानी 52वां स्थान यहाँ पे मिला है। अब टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के बारे में जान लीजिए, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और वहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पहली बार ड्रैगन पेड़ की प्रजाति पाई गई है? तो ये कौन से राज्य में पाई गई है? ये पाई गई है असम में। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म है ड्रैगन पेड़। अब ये ड्रैगन पेड़ क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस ड्रैगन पेड़ की पिक्चर भी लगा रखी, ये कुछ इस तरह दिखता है ड्रैगन पेड़। अब इसकी क्या विशेषता है? बेसिकली जैसे अपने बॉडी के अंदर ब्लड होता है, सेम उसी तरह ब्लड जैसा एक लिक्विड निकलता है इस ड्रैगन पेड़ से, उसी तरह एक लिक्विड निकलता है जो मेडिसिन है, यानी दवाई वगैरह बनाने के काम आता है, जो अपन मालिश वगैरह करते हैं, जो जोड़ों के दर्द वगैरह होते हैं उसके काम में ये आता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि असम में ड्रैगन पेड़ की प्रजाति पाई गई है, वहाँ पे खोजी गई है। अब ये कौन से राज्य में खोजी गई है? ये खोजी गई है असम में। तो ये देखिए, ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर, वहाँ के सीएम है सर्वानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 15वें वित्त आयोग ने किस राज्य का 3 दिवसीय दौरा किया है? तो ये कौन से राज्य का 3 दिवसीय दौरा किया है, जो 15वां वित्त आयोग है उसने? तो ये किया है छत्तीसगढ़ का। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे टर्म है 15वां वित्त आयोग, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 15वां वित्त आयोग, इसका गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 में इसका गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन है 15वें वित्त आयोग के? वो है NK सिंह। कौन है? NK सिंह। अब ये कौन से राज्य का दौरा की है? छत्तीसगढ़ का। तो ये देखिए, ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, वहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। इनका भी नाम याद रखना, ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुई है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किसने विमोचन किया? ये किया अपने प्रेजेंट टाइम के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, को नरेंद्र मोदी ने इसका विमोचन किया है। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस बुक की पिक्चर भी लगा रखी है, जिसको अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विमोचन किया है। अब यहाँ पे टर्म है चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजी पॉलिटिक। अब यहाँ पे चंद्रशेखर नाम आया, तो चंद्रशेखर आजाद मत समझ लेना, जो अपने इंडिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लाइफ पे बेस ये किताब है, उनकी जीवन शैली पे ये किताब आधारित है। और इसका विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि नरेंद्र मोदी ने तो इसका विमोचन किया, लेकिन इसको लिखा किसने? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी राइटर का नाम भी पूछ लेता है। तो इसको किसने लिखा है? हरिवंश और हरिदत्त वाजपेयी ने इसको लिखा है। किसने? हरिवंश और हरिदत्त वाजपेयी ने इसको लिखा है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये किस तिथि को मनाई गई है? ये मनाई गई है 26 जुलाई को। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कारगिल विजय दिवस है उसकी इस साल 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब? 26 जुलाई 2019 को। बेसिकली हुआ क्या था, 26 जुलाई 1999 में क्या होता, कारगिल युद्ध हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या किया था, गैर कानूनी तौर से जो इंडिया की जो चौकियाँ थी वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया
लिया था, लेकिन उसके बाद जो इंडिया की सेना है उसने उनको मार भगाया था। तो इसी उपलक्ष में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और इस साल इसकी 20वीं वर्षगांठ थी। अब ये क्वेश्चन सुन के और पढ़ के आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने आपको ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन करवाया था और उसमें ये बताया था कि कारगिल विजय दिवस की इस साल तो 20वीं वर्षगांठ मनाई जाने वाली, लेकिन इसका जो आयोजन है, इसका जश्न कहाँ पे शुरू हुआ था, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। और इसका जश्न कहाँ पे शुरू किया गया था, दिल्ली में कब शुरू किया गया था, 14 जुलाई 2019 को इसका जश्न शुरू किया गया था। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है, ये किया है एम वेंकैया नायडू ने। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इंडिया के प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति कौन, एम वेंकैया नायडू, उन्होंने अभी हाल ही में न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसके राइटर कौन है, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है नरेंद्र जाधव ने और इसका 25 जुलाई 2019 को विमोचन किया है। अब ये किस पे आधारित है, किस बेस पे किताब का विमोचन किया, ये जो एक तथाकथित औद्योगिक क्रांति 4.0 के विभिन्न आयामों की जांच और विस्तार करती है उसी के बेस पे ये किताब आधारित है। इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या है, न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ एनटीपीसी ने समझौता किया है? तो ये किसके साथ, अभी हाल ही में जो एनटीपीसी उसने समझौता की है, ये किया है भेल के साथ। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एनटीपीसी ने तो भेल के साथ समझौता किया है, लेकिन क्यों किया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली एनटीपीसी और जो भेल है, इन्होंने समझौता करने का मेन मकसद क्या है, एक संयुक्त उद्यम कंपनी यहाँ से बनाई जाएगी, उसकी स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ का जो पानीपत है वहाँ पर एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई जाएगी, उसकी स्थापना की जाएगी। अब इसकी स्थापना होगी, उससे क्या होगा, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन में यानी कमी आएगी। टोटल 20% तक यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है, जो उत्सर्जन है, उसमें कमी आएगी। अब यहाँ पे टर्म है एनटीपीसी और भेल, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एनटीपीसी के बारे में बताता हूँ, एनटीपीसी के बारे में जान लीजिए। एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी, 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन और MD कौन है, वो है गुरदीप सिंह। अब ये यहाँ पे और एक टर्म है भेल, तो भेल के बारे में जान लीजिए। भेल की फुल फॉर्म क्या होती है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD और चेयरमैन कौन है, वह अतुल सोपती। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट स्टोरीज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहां पे वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये किया जाएगा दुबई में। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आयोजन बेसिकली 6 महीनों तक किया जाएगा। कब से कब तक, 20 अक्टूबर 2020 से लेके 10 अप्रैल 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, दुबई में। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी थीम क्या रखी गई, इसकी थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग अ फ्यूचर। क्या है इसकी थीम, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। अब यहाँ पे टर्म है दुबई, तो दुबई कहाँ पे, UAE में, एंड यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में जान लीजिए। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, वहाँ की करेंसी है दिरहम, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह है खलीफा बिन जयाद अल नहयान। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो बस आज के करंट अफेयर से इतना ही। चलिए अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखते हैं कल का हमारा क्या क्वेश्चन था। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से किसने 21वें टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता था, ये जीता था हरमीत देसाई ने और आयाहिका मुखर्जी ने। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही था। उपरोक्त दोनों सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तो चलिए आज फिर मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के लिए ADB ने
1925 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये कौन से राज्य के लिए दी है बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, मैंने क्वेश्चन आपको कल ही करवा रखा है, तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैंने इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कम्प्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।